कतरा से जहां बॉयलर में विस्फोट होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, बॉयलर में सीट लगाने के दौरान विस्फोट हुआ है। चतरा से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृष्णा पासवान के इस हादसे में मौत की बात सामने आ रही है। मजदूर की मौत से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मौके पर अफरा तफरी को देखते हुए पुलिस की टीम भी पहुंची है और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। इधर इस हादसे के बाद अन्य मजदूरों में नाराजगी देखने को मिल रही है, प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है, बॉयलर में विस्फोट हुआ है। बॉयलर में सीट लगाने के दौरान हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मजदूर कृष्णा पासवान बॉयलर में सीट लगा रहा था, इस दौरान गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। सीट लगाने के दौरान मजदूर के गिरने की बात भी सामने आ रही है। बॉयलर में काम चल रहा था जिस दौरान हादसा हुआ है। मजदूर कृष्णा पासवान की गिरने से मौत की बात सामने आ रही है। ऐसे में सुरक्षा उपकरणों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कंपनी द्वारा सुरक्षित मजदूरों के कामकाज को लेकर पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जा रहे थे, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अन्य मजदूरों में इस घटना के बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी मजदूरों में देखने को मिल रही है। अफरा तफरी की स्थिति घटना के बाद मौके पर बन गई। फिलहाल जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची है। तो चतरा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि बॉयलर में शीट लगाने का काम चल रहा था और इसी दौरान एक मजदूर के गिरने से उसकी मौत हो गई। सहयोगी चंदन से पूरी जानकारी लेते हैं। चंदन, बॉयलर में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत की खबर मिल रही है, क्या है पूरा मामला? योजना के भीतर कार्य कर रहे एक मजदूर की गिरने से मौत हो गई है, जहां एनटीपीसी के भीतर बॉयलर निर्माण कर रही केपीसीएल कंपनी के कार्यकर्ता था। मृतक मजदूर कृष्ण पासवान बॉयलर में सीट लगाने के दौरान पैर के सरने से नीचे गिर गया, जिसके बाद घटना के बाद जो है अफरा तफरी मच गई। कोई कार्रवाई? जी, अब तक देखिए पूरे मामले को लेकर जो है टंडवा पुलिस जो है वहाँ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जो है हर मामले पे छानबीन करने में जुटी है। क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था मजदूरों द्वारा? प्रबंधन इसकी व्यवस्था कर रहा था? जी देखिए, अब तक जो प्रबंधन से बात किया गया तो उनका कहना है कि हाँ, पूरे व्यवस्था पूरे इंतजाम के साथ जो लेबर है वो काम कर रहे थे, लेकिन बरसात के दिनों में जो है पैर फिसल गया और अचानक से पैर फिसलने की वजह से जो है ऐसा घटना घटी है। चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए चंदन।